नमस्कार, बोल्स्काय में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में दिल के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें हार्ट अटैक, हृदय वाल्व रोग, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसी कई बीमारियां शामिल होती हैं। हृदय रोग में डिसलिपिडेमिया भी एक समस्या है। डिसलिपिडेमिया की समस्या में खून में लिपिड का स्तर बढ़ने या घटने लगता है। ये ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है जिनके घर में पहले से ही इसके मरीज होते हैं, लेकिन कई बार मानसिक तनाव और खराब लाइफस्टाइल भी इसकी वजह बन जाती है। ज्यादातर लोगों को डिसलिपिडेमिया के लक्षणों के बारे में पता नहीं चल पाता है। वे इस बात से अनजान होते हैं कि उनके खून में लिपिड का स्तर बढ़ या घट रहा है। डिसलिपिडेमिया कोरोनरी आर्टरी डिजीज और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का कारण बन सकता है। इसके बाद CAD और PAD की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मरीज में कई लक्षण नजर आने लगते हैं, जैसे चलते हुए पैरों में दर्द होना, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ रहना, नींद न आना या फिर थकावट होने जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। डिसलिपिडेमिया का इलाज खून में लिपिड के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। खून में लिपिड का स्तर कितना बढ़ा या कम हुआ है, इस पर इलाज निर्भर करता है। साथ ही इसका इलाज करने के लिए पहले कारण का पता लगाया जाता है और फिर उसके कारण को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।